एक और गाना आज मेरा रिलीज हुआ है, आजाद म्यूजिक वर्ल्ड, जो आजाद है। काफी आप लोगों ने गाना आजाद का लिखा हुआ सुना होगा, ठीक है, वही लिखा था कि पागल बनाई बेकर पत्थर की, पागल बनाई बेकर तोरा देखे में चुमुक लागल छुआ के, पागल बनाई बेकर। बहुत सारी गाना आजाद का लिखा हुआ मैं गाया हूँ, उसी की कंपनी से गाना मेरा रिलीज हुआ है कि मत छेड़ी मुझे नहीं तो पाप होगा, कल तो भी किसी लड़की का बाप होगा। उस गाने को भी मैं आप सबके बीच में सुना देता हूँ, मैं और मेरी नहीं होने वाली मेहरारू। एक्चुअली शुभी जी बहुत अच्छी है, अगर मेरी शादी नहीं हुआ था ना, माँ कसम, माँ कसम बोल रहा हूँ, इनसे शादी नहीं करता। इसलिए क्योंकि तहारा बहुत पता रहा था, दूसर कोनो काम धंधा नहीं खे, वही फेरा में रहता रहा। काजल रघवानी गुजरात की है, तो अगर मेरी शादी नहीं होती तो मेरा भी ससुराल गुजरात में होता। ये साली है, साली ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं, साली का भी आधा हक होता है, आधी घरवाली होती है। कि हर लड़की जो ना प्यारी को सीरियस लेती है, सौ में से नब्बे को धोखा देती है। लेकिन कोई बात नहीं, गाना लगा दे बाबू, माटी के लाल। अच्छा सुन, रुक रुक, है ना माटी के लाल, आ आ तो हम बे मतलब के तू पहले ले बड़ा है, हम कौवा टोपी है ना, अब तार हम उपाय करत नहीं, आओ ना इन्हें आओ, तारो इज्जत भारी भइल बनवा आओ, आओ। एक बात भाई ने बोला कि इस धरती पे तीन ही लाल है, दिनेश लाल, खेसारी लाल और बीजी लाल, लेकिन मैं माटी का लाल हूँ। हमने के समुंदर से निकलल बनी जा, तो माटी से आइल बड़ो भाई, तू बिग बॉस के टोपी निकाल दो ना तो धर्माथा नोच ले। राकेश समझावे का कि धरती से आइल बड़े, हमने के आसमान से आइल बनी जा। अनिल बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा मुंह से गाता है। अरे सब लोग मुंह से गाते हैं, ये रिएक्ट करने की क्या बात है, मैं बोल रहा हूं कि तू मुंह से गाता है, मैं भी मुंह से गाता हूं, कभी कभी तू कहीं और से भी गाता है। मैंने कहीं और से मतलब किसी और कंपनी से, वही जी रहे ललो, वही जी। बहुत अच्छा लड़का है ये, और राकेश की जोड़ी है एक, और पूरी टीम है इनकी। ये कहीं भी कार्यक्रम अगर इनके नाम से जुड़ता है तो मैं अगर जिंदा रहूंगा तो जरूर उस धरती पे आता हूँ। एक बार यहाँ पे कार्यक्रम 6-7 साल पहले हुआ था, जो किसी कारण हो सकता है जे वो कलाकार की दुविधा होगी या प्रशासन का प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से वो कार्यक्रम नहीं हुआ। ये राकेश है, एक बहुत अच्छा गाना गाता है प्रधनवा के रहर में, है ना, अभी प्रधनवा का रहर गाए गए, हम दो को डांस करेंगे, उसके बाद ही प्रधनवा के रहर में आएगा और आप लोग को ढेरी खिलाएगा। हाँ जी हाँ राजा जी हाँ भाई, सबको शैलेंद्र पांडे एक ब्राह्मण कुल के बेटा के तरफ से एक जजमान को प्यार मिला। मैं ब्राह्मण कुल को बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिग बॉस में गया था।